डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रजिस्टर के बारे में। कंप्यूटर रजिस्टर क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्यों है, इनके साइज को कैसे डिफाइंड किया जाता है, कैसे मेमोरी और इनके साइज का क्या रिलेशनशिप है और इनका क्या यूज है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल रही है, जल्दी से जाकर उन्हें देख कर आइए। एज अ टीचर आपको सलाह देना चाहूंगी, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो उसे सिक्वेंशियली प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से हर टॉपिक आपको क्लियर होते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर रजिस्टर आखिर होते क्या हैं। हमने इसके पहले फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया था। फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, 1 बिट इन्फॉर्मेशन को एट अ टाइम स्टोर करके रखते हैं। जब फ्लिप फ्लॉप की ग्रुपिंग कर दी जाती है तो वो रजिस्टर बन जाते हैं। यानी यदि हमें 8 बिट स्टोर करना है तो हम 8 फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ग्रुप कर देंगे तो वो हमारा रजिस्टर कहलाएगा। रजिस्टर आपको समझ में आ गया है, मेमोरी एलिमेंट है जिसमें हम फ्लिप फ्लॉप को कंबाइंड करके रजिस्टर को बनाते हैं। तो जितने बिट का हमें रजिस्टर चाहिए उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर हमें समझ में आ गया, एक मेमोरी एलिमेंट है। इसके पहले हमने एक कंप्यूटर फंडामेंटल का वीडियो दिखा था जिसमें हमने मेमोरी हायरार्की के बारे में डिस्कस किया था। मेमोरी हायरार्की मतलब कंप्यूटर के पास रैम है, हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर के पास कैश मेमोरी है, कंप्यूटर के पास रजिस्टर है। सबसे ज्यादा गति से कंप्यूटर जिसे एक्सेस करता है वो होता है सीपीयू रजिस्टर्स। ये जो हमने डायग्राम बना के रखा है इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है। देखिए, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, सपोज आपने सी में कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने कुछ उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी, स्टेटमेंट लिखी, तो सीपीयू क्या करेगा, उसे 1 by 1 लाइन बाय लाइन उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब उसे क्या क्या आवश्यकता होगी, उसे ये आवश्यकता होगी कि जिस डेटा पे उसे काम करना है वो डेटा उसे स्टोर करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसे कहां काम करना है, अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, कहां उसका लोकेशन होगा, वो लोकेशन उसे स्टोर करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इन्हीं सब कामों के लिए रजिस्टर जो है बनाए जाते हैं, जो सीपीयू के पास होते हैं। सबसे ज्यादा नजदीक सीपीयू के पास जो होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी एलिमेंट, और उन्हें फास्ट एक्सेस किया जा सकता है जिससे हमारे जो कंप्यूटर है या हमारा जो है फोन है उसकी गति जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। जो रजिस्टर के साइज होते हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर के साइज अलग अलग होंगे और वो डिपेंड करेंगे आपका मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी का साइज क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम है आपको दिख रहा है, मेमोरी जो हमने साइज दिया है वो लिया है 4096 × 16। इसका मतलब है ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसमें टोटल जो वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स, ठीक है, 1, 2, 3 और ये कहां तक जाएंगे, 4096, ये एक वर्ड कहलाएगा, ठीक है। ये वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ बिट है। अब ये वर्ड कितने ग्रुप ऑफ बिट का है, 16 बिट का है, ठीक है, तो ये 16 बिट का होगा एक वर्ड, ठीक है, मतलब 16 बिट के डेटा पे एक साथ हमारा सीपीयू काम करेगा, ठीक है। तो इसकी जो 4096 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12 इक्वल टू 4096, और जो डेटा है वो किस पे काम करेगा, कितनी बिट पे काम करेगा, कितने बिट का डेटा होगा सीपीयू, कितने बिट के डेटा पे काम करेगा, 16 बिट, ये हुआ मेमोरी साइज। अब इस साइज पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो रजिस्टर है डिफरेंट टाइप का, अभी मैं इसकी फंक्शनिंग बताऊंगी, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। जो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हैं जैसे प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, अक्यूमुलेटर, आउट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, इनकी साइज जो है वो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए, फिर से मैं एक बार नाम रिपीट करती हूँ। पीसी को बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, AR स्टैंड फॉर एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी वीडियो के। एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, इसे समटाइम्स MAR भी कहा जाता है, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है IR, स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। TR टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है। आउटपुट रजिस्टर,
इनपुट रजिस्टर, एसी अक्यूमुलेटर, डीआर डेटा रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा यदि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है तो एक स्टैक पॉइंटर भी होता है जिसको मैं आखिरी में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, तो मेन जो कंप्यूटर के रजिस्टर होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, आउट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, अक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर। अब इनकी साइज क्या होती है और इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा, डेटा में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में क्या होगा और इनकी साइज क्या होगा, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर, जो कि क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर अगर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है या जो भी काम कर रहा है उसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है। जैसे सपोज हमारा जो कंप्यूटर है वो 1012 पे काम कर रहा है एड्रेस लोकेशन, तो 1013 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर 1013 पे है तो हमारे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1013। तो प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट करंट नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है सीपीयू के द्वारा उसकी वैल्यू, उसका लोकेशन, उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो इसकी साइज क्या होगी, कितने बिट का होगा। देखिए मैंने आपको बताया मेमोरी का साइज यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 12 इंटू 16 बिट का तो डेटा है। ठीक है, एड्रेस फील्ड आपकी होगी 12 बिट की, एड्रेस जो एड्रेस दिए जाएंगे ये 1 है तो इसका एड्रेस जो है वो टोटल 12 बिट का होगा। ठीक है, 12 बिट का होगा, तो यहाँ पे जितना 2 की पावर में जितना होता है नंबर उतना एड्रेस का बिट होती है, उतनी एड्रेस की बिट होती है। तो ये 12 है तो यहां पे 0 से लेके 11 टोटल 12 बिट का ये होगा प्रोग्राम काउंटर। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए इससे मैपिंग करते हुए क्या रिलेशन है। तो ये हमें माइंड में बिठा लेना है कि जहां पे भी जो भी रजिस्टर में एड्रेस लोकेशन स्टोर हो रहा है, चाहे वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का हो चाहे वो करंट इंस्ट्रक्शन का हो, उसकी बिट कितनी होगी, जो 2 की पावर होगी। ठीक है, यहाँ 12 है 2 की पावर तो ये 12 बिट का होगा 0 से लेके 11, क्योंकि इसमें भी एड्रेस लोकेशन स्टोर हो रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, फिर आता है एड्रेस रजिस्टर, या दूसरे शब्दों में इसे बोलते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें भी लोकेशन स्टोर होती है। ठीक है, जहां पे हमें काम करना है उसकी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को एड्रेस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है, तो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा 0, 11, 14 और ये 15। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा ऑपरेंड, ठीक है, यहाँ होगा ऑपकोड और ये होगा बिट फॉर मोड, जो बताएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ऑपरेंड क्या होते हैं, जैसे आपने लिखा 3 प्लस 4 तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड जिस पे काम करना है। ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 0 टू 11 और यहाँ पर ऑपकोड मतलब जो ऑपरेशन से प्लस माइनस इनटू। ठीक है, तो ये ऑपकोड क्या दर्शाएगा कि कौन सा ऑपरेशन है, उसके लिए 3 बिट यहाँ पे। ठीक है, तो ये 12 प्लस 3 कितने हो गए 15 और 1 बिट फॉर मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको यहां पर होल्ड करता है। तो ये कितने बिट का होगा, टोटल कितनी बिट है इसमें 16, तो यहां पे ये 16 बिट का होगा। हमारी इंस्ट्रक्शन कितने बिट की होती है, 16, जो डेटा बिट होती है, डेटा जिस पे काम करने वाला है उतना ही यहां पे होता है कि ऑपरेंड का एड्रेस 0 से 11 में, ऑपकोड का 3 बिट में और ये 1 फॉर एड्रेसिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर, जो हमने टेम्पररी डेटा अपने प्रोग्राम में यूज किया, जैसे फ्लैग बिट यूज किया या टेम्प वेरिएबल को यूज किया, तो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए टेम्पररी रजिस्टर्ड। अब डेटा की बात आ गई तो डेटा कितने बिट का होगा, जो हमारा वर्ड है वर्ड का साइज कितना है 16 बिट, तो जो हमारा TR है वो हो जाएगा 0 टू 15 यानी कि टोटल 16 बिट का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो मेन हमारे हैं डेटा रजिस्टर और अक्यूमुलेटर।
ठीक है, डेटा रजिस्टर होल्ड करेगा हमारे डेटा को, सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन पे अभी काम कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन में यदि कोई डेटा है, जैसे 3 और 4 एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया आपने, तो 3 और 4 जो डेटा है वो किस में होगा, स्टोर डेटा रजिस्टर में। तो जाहिर सी बात है कि इसका साइज कितना होगा, 16 बिट है, 0 to 15 यानी कि टोटल 16 बिट। अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर कुछ कुछ सुनाई आ रहा है हमें कैलकुलेटर जैसा, तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन के दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं, जैसे आपने कोई भी मैथमेटिकली प्रोग्राम बनाया तो हो सकता है कि आपने उसमें प्लस भी किया हो, इंटू भी किया हो, माइनस भी किया हो, तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये अक्यूमुलेटर जो है वो उन हमारी जो प्रोसेसिंग के दौरान जो रिजल्ट जनरेट होते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका साइज क्या होगा, इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर हो रहा है, तो इसका साइज हो जाएगा 0 to 15, क्योंकि इसमें भी इंटरमीडिएट रिजल्ट है, मतलब डेटा है। ठीक है, अब आते हैं आउट आर और इनपुट आर। आउट आर मतलब आउटपुट रजिस्टर, ये होगा 0 to 7 8 बिट का, ठीक है, और ये भी होगा 0 to 7 8 बिट का, दोनों होते हैं। इनका काम क्या है, आउट रजिस्टर का काम है कि आउटपुट यूनिट को कैरेक्टर प्रोवाइड करना, कैरेक्टर प्रोवाइड करना 8 बिट का, और यहाँ पे इनपुट रजिस्टर का काम क्या है, इनपुट डिवाइस से 8 बिट का कोई कैरेक्टर लेना। ठीक है, तो इनका कोई इससे रिलेशन नहीं है असल में, इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर इसके साइज वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया रजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने देखा कि रजिस्टर किस तरीके से सीपीयू को स्पीड अप प्रोवाइड करता है, सीपीयू की स्पीड को एनहांस करता है, डिफरेंट डिफरेंट हमने रजिस्टर देखे, इसके नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए